विश्व हिंदू परिषद एवं गौ सेवा प्रभु सेवा समिति द्वारा गोपाष्टमी के अवसर पर जामुल प्रखंड के समता चौक में स्थित महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ एवं भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोपाष्टमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं गौ सेवा प्रभु सेवा समिति द्वारा जामुल प्रखंड के समता चौक में स्थित महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में विभिन्न धार्मिक आयोजन संपन्न किए गए। संगीतमय हनुमान चालीसा के पाठ एवं भारत माता की महाआरती के साथ पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर गौ वंशों को केला एवं गुड़ खिलाया गया। सभी कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए गौ वंशों को 21 दर्जन केला और 10 किलो गुड़ खिलाते नजर आए। आयोजन की जानकारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के सदस्यों ने दी। जी, राजेश कुमार निषाद, भिलाई नगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शारीरिक प्रमुख, गौ सेवा प्रभु सेवा समिति में उपाध्यक्ष। आज गोपाष्टमी के पावन अवसर पर गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के तत्वाधान में यहाँ पर 100 गौ माता को गुड़ और केला खिलाने का कार्यक्रम रखा गया है। और आज बहुत ही पावन दिवस है, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस भी हम लोग मनाएंगे। इसके उपलक्ष्य में आज मंगलवार को हनुमान जी का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ, और गौ माता की सेवा के लिए उनको गुड़ और केला खिलाएंगे और भारत माता की आरती भी करेंगे। जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता, जय गौ माता, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय। गोपाष्टमी का आज का जो कार्यक्रम है हम लोगों का, ये गौ विश्वस्य मात्रा इसके उस पर आधारित है। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण जी पहली बार गाय चराने के लिए निकले थे, तो माता जी ने उनकी कहा कि आप चरण पादुका पहन लो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि गौ माता है, जब ये चरण पादुका नहीं पहनेगी तो मैं कैसे चरण पादुका पहन लूँ। उसको लेकर के श्री कृष्ण जी का नाम गोपाल पड़ा और उसी दिन को हम लोग आज गोपाष्टमी का कार्यक्रम कर रहे हैं। गोपाष्टमी का दिन ही था वो। जय श्री राम। आज घासीदास नगर में गोपाष्टमी के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में गौ माता के लिए लक्ष्य बनाया गया, कम से कम 100 गौ माता को गुड़ और केला खिलाने का। गोपाष्टमी बहुत पावन पर्व है, साथ में आज बहुत बढ़िया संयोग जमा हुआ है। हमारे 36वें स्थापना दिवस है, साथ में मंगलवार का पावन दिन है, तो इसलिए हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ, भारत माता की महाआरती, साथ ही में गौ माता का पूजन किया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। आइए देखते हैं भजन कीर्तन की कुछ खास झलकियाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।